Yeah. शेवाश्वराय Shiva, शम्भाम् Shiva, यत्तण मामर सङ्गरतो वा सङ्गविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम् स्य ब्राह्मणि रमते चिता नन्दति नन्दति नन्दते दति नंद नंदति नंदते वा, नंद 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 वा। सचसंगत्वे निसंगत्वम

पुनरपि जननं पुनरपि मरणम् पुनरपि जननी जठरे शयनम्

कृपया पारे पाहि मरा मुरारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविन्दं भज गोविन्द गोविन्दं भज मूडमते मैं न्यूज़ के हिस्से को आपके लिए छोड़ दूंगा मुझे यकीन है कि उन सभी लोगों ने संपर्क बना रखा है जो चाहते हैं जो नहीं जानना चाहते कि दुनिया में क्या हो रहा है बेशक आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं आज आदिशंकर की जयंती है योग रथोवा जो आपने अभी गाया ये उनकी रचना है एक अविश्वसनीय रूप से उत्साही और ऊर्जावान आदमी उन दिनों में इस देश को पैदल चलकर इधर से उधर तक पार किया जब तक वो बत्तीस साल के हुए मेरे ख्याल से वे तीन बार ऊपर से नीचे तक गए और पूर्व से पश्चिम तक भी और उन्होंने आध्यात्मिक प्रक्रिया को अपनी ही तरह से स्थापित किया मेरी पसंद के हिसाब से वे कुछ ज्यादा ही प्रचारक जैसे थे लेकिन उन दिनों की शायद वही व्यवस्था थी और उन्होंने इसी तरह से खुद को अभिव्यक्त किया और वे बत्तीस साल की उम्र में चले गए बारह साल की उम्र से बत्तीस तक बीस साल वे एक अभियान पर थे एक आदमी अद्भुत क्षमताओं वाला एक अविश्वसनीय आदमी अपनी बुद्धि में लगभग महामानव और उन्होंने स्थापित किया एक तरह से इस संस्कृति में आध्यात्मिक प्रक्रिया को पुनः स्थापित किया एक हजार साल से थोड़ा पहले और उनका आज भी बहुत सम्मान है अगर वे इस दुनिया में किसी भी दूसरी जगह पर होते इस तरह का इंसान तो उनके आसपास एक पूरे धर्म का विकास हो गया होता लेकिन चूंकि इस संस्कृति में किसी इंसान के इर्द गिर्द एक धर्म को विकसित करने जैसी कोई चीज नहीं थी जब शिव आए राम आए कृष्ण आए उनके इर्द गिर्द कोई धर्म विकसित नहीं हुआ वे उस संस्कृति का एक हिस्सा बन गए जो पहले से ही मौजूद थी तो हमेशा से यही तरीका रहा है तो शंकर भी इस संस्कृति का एक हिस्सा बन गए एक और प्रकाश पुंज की तरह हर चीज के स्रोत की तरह नहीं उस तरह की सोच इस संस्कृति में कभी नहीं थी सौभाग्य से यह अब भी नहीं है लेकिन शंकर ने कुछ अविश्वसनीय चीजें की एक बुद्धि के रूप में अगर लोग उनके किए कार्यों के दूसरे आयामों को नहीं समझते हैं एक बुद्धजीवी के रूप में इस धरती पर विरले ही कोई दूसरा इंसान हुआ है जिसकी बौद्धिक क्षमता उनके जैसी हो उनकी विद्वता जब तक वे बारह साल के हुए इतनी अद्भुत थी कि वास्तव में इस देश की पूरी लंबाई और चौड़ाई में कोई नहीं था जो उनसे वाद विवाद कर सके या उनके सामने अपना तर्क रख सके वे हमेशा जीत जाते थे तो अपने पूरे जीवन में जिस तरह से उन्होंने अपना संदेश फैलाया वो था लोगों को वाद विवाद के लिए बुलाना ये वाद विवाद हफ्तों चलते थे और इन बीस सालों में वे एक भी वाद विवाद में नहीं हारे तो आज उनकी जयंती है जिसका मतलब है उनके जन्म की सालगिरह उनके नाम पर संस्थाएं हैं शायद वो उतनी जीवंत ना हो जितनी जीवंतता के साथ वो जिए उनके बारे में एक चीज बताता हूं जाहिर है कि वो बहुत तेज चलने वाले इंसान थे तो वो हमेशा आगे चलते थे और उनके शिष्य कुछ फुट पीछे या कुछ गज पीछे या शायद आधा किलोमीटर पीछे वे हमेशा उनके बराबर आने के लिए उनके पीछे दौड़ते रहते थे क्योंकि जब तक वो ना रुकें शिष्य भी नहीं रुक सकते थे ये आदमी बस चलता जाता है तो जब वो खाने के लिए रुकते हैं तो हर कोई खाने के लिए रुकता है वरना वो चलते रहते हैं एक दिन वो चल रहे थे और एक गांव के बाहर उन्होंने देखा कि लोग शराब पी रहे थे और अलग अलग हालातों में यहां वहां लौट रहे थे उन्होंने बस यह देखा वो बस अंदर गए उन दिनों और आज भी, गांवों में पसंदीदा शराब को ताड़ी कहते हैं यह ताड़ के पेड़ से आती है यह कुछ कुछ पश्चिमी बियर जैसी होती है लेकिन यह छाछ की तरह दिखती है और या तो यह बहुत हल्के अल्कोहल की हो सकती है या इसे बहुत तेज भी बना सकते हैं इस जगह पर ताड़ी तेज रही होगी क्योंकि लोग यहां वहां लौट रहे थे तो उन्होंने इसे देखा वो ताड़ी की दुकान में गए उन्होंने ताड़ी का एक पूरा घड़ा उठाया और बस पी गए और बस चलते रहे उन्होंने लोट नहीं लगाई तो उनके शिष्यों ने उन्हें पीते हुए देखा और तब आपस में तो हमारे गुरु शराब पी रहे हैं अब उनसे पूछने की भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने खुद मिसाल कायम की है जब वो चलते हैं हम चलते हैं जब वो खाते हैं हम खाते हैं वो जो कुछ भी करते हैं हम भी करते हैं अब उन्होंने पी है अगले गांव में हमें भी पीनी चाहिए आपस में वो अपना मन बना रहे थे तो अगला गांव आया वो चलते जा रहे थे और तब उन्होंने एक लोहार को देखा जो पिघले हुए लोहे के साथ कुछ काम कर रहा था पिघला हुआ लोहा वो गए उसे उठाया और पी गए और चल दिए बेशक शिष्य उसे नहीं पीना चाहते थे तो लगभग एक महामानव अपने समय की एक अद्भुत घटना हजार साल बाद भी वो जीवित हैं अब भी लोग काफी सारे लोग आज भी उनकी रचनाओं का अभ्यास और पाठ करते हैं कई तरीकों से वैसे मैं उन परंपराओं से कुछ नहीं लेता हूं लेकिन यह काफी कुछ वैसा है उन्होंने एक चीज लिखी जिसे सौंदर्य लहरी कहते हैं इसका मतलब है सृष्टि की अद्भुत सुंदरता का वर्णन करना सृष्टि की शक्ति और सुंदरता तो इसे लिखा गया था ताकि इस संस्कृति में स्त्रीयत्व की पूजा जिंदा रहे जब हम भैरवी की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे तब कुछ चीजें हुईं और कुछ लोग इसकी ओर आकर्षित हुए और वे आए और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिया उसके बाद उन्होंने आकर कहा सदगुरु आप यहां जो कर रहे हैं ठीक यही चीज सौंदर्य लहरी में लिखी हुई है मैंने कहा मैंने उसे कभी नहीं पढ़ा है क्योंकि मैं उस तरह से काम नहीं करता हूँ मेरा तरीका सिर्फ अपनी आंखें बंद करने का है जब मैं कुछ जानना चाहता हूं मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं मैं किसी चीज को पढ़कर नहीं जान सकता वरना अभी तक मैं एक प्रोफेसर बन गया होता तो देवी कम से कम उन्होंने ऐसा कहा ऐसा ही होगा कि ये लगभग सौंदर्य लहरी में बताई चीजों के समान ही होगी स्त्री शक्ति की पूजा के संदर्भ में कि इसे कैसे किया जाना चाहिए और जो भी मुझे उसकी डिटेल्स नहीं पता हैं मुझे केवल उतना ही पता है जितना उन्होंने कहा मैं उस तरह का बुद्धू हूं कि बताए जाने के बाद भी मैंने उसे नहीं पढ़ा है अगर आप सभी मुझे इस तरह व्यस्त ना रखें तो शायद मैं एक दिन बैठकर इसे पढूं। खैर आज हम उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं आज उनकी जयंती है वो जिस तरह के जीव थे उसके लिए हम उनको नमन करते हैं हमें इस ग्रह में ऐसे लोगों को पैदा करना होगा अगर हम चाहते हैं कि मानवता एक नई संभावना में ऊपर उठे हमें उस तरह की जोश की आवश्यकता है कि उस इंसान के पास जो है वो इतना मूल्यवान है कि वो इस देश में ऊपर से नीचे तक चलकर जाता है मैं कह रहा हूं कि यह कोई छोटा देश नहीं है एक छोर से दूसरे छोर की दूरी चार हजार किलोमीटर है और बीस सालों के भीतर उन्होंने तीन बार ऊपर नीचे पैदल यात्रा की और एक बार पूर्व से पश्चिम तक यह कोई छोटी चीज नहीं है और पूरे रास्ते दिन भर चलने के बाद उन्होंने साहित्य की रचना की शायद वे रात में बैठते हैं और इन हजारों पन्नों को लिखते हैं जिसकी उन्होंने रचना की भाषा पर सबसे अविश्वसनीय नियंत्रण और एक बहुत ही गहन ज्ञान की अभूतपूर्व अभिव्यक्ति तो हमें ऐसे लोगों को पैदा करना होगा मुझे इंतजार है ये सवाल श्वेता का है आप अक्सर कहते हैं कि कोई भी अचानक नहीं मरता है मृत्यु की प्रक्रिया जन्म से शुरू होती है और एक दिन पूरी हो जाती है आप यह भी कहते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ज़रूरी नहीं है कि हमारी जीवंतता कम हो चूंकि हम जानते हैं कि शारीरिक शक्ति और मानसिक सतर्कता दोनों एक खास उम्र के बाद कम हो जाते हैं ऐसे में हम जीवंतता के गुण को कैसे समझें जो उम्र बढ़ने पर घटता नहीं है मैंने इस जीवंतता का अनुभव केवल ध्यान के दौरान ही किया है जब यह स्थिरता के रूप में अभिव्यक्त होती है क्या आप उसी जीवंतता की बात कर रहे हैं या ये कुछ और है क्या श्वेता मेरे बारे में बात कर रही हैं क्या मैं मंद हो रहा हूं हेलो आप में से जो लोग मुझे दस पंद्रह सालों से देख रहे हैं क्या मैं मंद हो रहा हूं नहीं वो कह रही हैं कि उम्र के साथ आप मंद हो जाएंगे तो किसी की अचानक मृत्यु नहीं होती आज ये कहने के लिए थोड़ी संवेदनशील बात है क्योंकि कई सारे लोग अचानक मर रहे हैं कम से कम उनके दोस्तों रिश्तेदारों और प्रियजनों के अनुभव में तो ऐसा ही है अचानक वायरस सब कुछ ठीक था वायरस कल चले गए ढेर सारे लोग जब पिछले दो महीनों में ढाई लाख लोगों की मौत हुई हो एक ही कारण से लोग अलग अलग कारणों से मर जाते हैं वो अलग है लेकिन एक ही कारण से ढाई लाख लोग मर गए कोई व्यक्ति इसका अनुमान लगा रहा है किसी प्रकार की गणना मैंने इसे ठीक से नहीं देखा है लेकिन उन्होंने कुछ गणना की कि एक इकलौते वायरस का वजन क्या है और एक इंसान को मारने के लिए कितने वायरस लगते हैं तो इतने सारे लोग तीस लाख लोग इन्फेक्टेड हैं इतने लोगों की मौत हुई है तो वायरस की संख्या क्या है तो उन सब का कुल वजन क्या होगा तो अभी तक वायरस की संख्या जो भी खरब खरब वायरस उनका कुल वजन है एक ग्राम एक ग्राम वायरस ने मानवता को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है एक ग्राम क्या आप सोच भी सकते हैं मैं चाहता हूं कि आप देखें तो ये लोगों को यह बताने का समय नहीं है कि मौत अचानक नहीं होती जिस दिन आप पैदा हुए थे आप वैसे भी मरने लगे थे ये तब सच है जब लोग आते हैं और आपके सामने बैठते हैं जीवन की गहराई को देखते हुए न कि तब जब लोग महामारी से जूझ रहे हों आप उन्हें ये मत कहिए कि चिंता मत करो मृत्यु नहीं होती है अचानक जिस दिन आपका जन्म हुआ आपको वायरस लग गया बस समय की बात है ये कहने की बात नहीं है लेकिन वैसे भी मुझे पता है कि आप वायरस का सवाल नहीं पूछ रही हैं तो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने कहा है हर कोई जो 200 साल पहले पैदा हुआ था वो अभी मर चुका है क्या ये पक्का है सभी मर गए हर कोई जो 500 साल पहले यहां रहता था सभी मर गए हर कोई जो हजार साल पहले मौजूद था मर गया यहां तक कि ज्यादातर लोग जो सौ साल पहले पैदा हुए थे उनमें से लगभग सभी मर गए हैं तो मौत हमारे बीच एक स्थायी प्रक्रिया रही है यह अचानक नहीं हुई है जाहिर है यह हमेशा से चालू रही है तो मेरे जीवन में यह प्रक्रिया कब शुरू होती है जन्म का मतलब ही मृत्यु है जन्म एक प्रक्रिया की शुरुआत है मृत्यु उसका अंत है हम जो हैं उसकी शारीरिक प्रक्रिया और काफी हद तक हम जो हैं उसकी मानसिक प्रक्रिया भी जन्म से शुरू होती है और मौत के साथ उसका अंत होता है यह मेरा आविष्कार नहीं है अगर आप कल मर जाएं तो मुझ पर इल्जाम मत लगाइएगा मौत मेरा आविष्कार नहीं है मैंने बस इस पर एक किताब लिखी है अरे सदगुरु ने मौत का आविष्कार किया है उन्हें पकड़ते हैं नहीं मैंने नहीं किया मेरे आने से पहले भी लोग मरते रहे हैं और मेरे जाने के बाद भी लोग मरेंगे तो उम्र के साथ शरीर कमजोर होता जा रहा है शारीरिक ऊर्जा भी अधिक कमजोर हो जाती है आपकी आंखें थोड़ी धुंधली हो सकती हैं सुनने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है निर्भर करता है कि आप कितनी लंबी जिंदगी जीते हैं वायरस ने चाहा, तो आप लंबी उम्र जिएंगे। देखिए हम कहाँ आ गए हैं भगवान ने चाहा से वायरस ने चाहा तक तो आप कितनी लंबी उम्र जीते हैं उसके अनुसार निश्चित रूप से आपकी इंद्रियां कमजोर हो जाएंगी लेकिन जीवंतता उस बारे में नहीं है आपकी इंद्रियां बस शारीरिक क्षमताओं जैसी हैं आपकी देखने सुनने स्वाद चखने और सूंघने की क्षमता ये सारी शारीरिक क्षमताएं हैं वो निश्चित रूप से कम हो जाएंगी कितने खराब तरीके से ये इस पर निर्भर करता है कि आप खुद को कैसे रखते हैं लेकिन यह निश्चित रूप से कम हो जाएगी आप बीस की उम्र में जैसे हैं आप अस्सी की उम्र में वैसे नहीं होंगे शायद शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की क्षमताओं में लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि यह कम स्तर की जीवंतता है आपको इस पर गौर करना होगा जीवंतता का मतलब है बुनियादी जीवन इस जीवन के पास कई सहायक चीजें हैं जिससे ये खुद को अभी प्रकट कर रहा है खुद को प्रकट करने के लिए उसे एक भौतिक ऊर्जा एक भौतिक शरीर तंत्रिका तंत्र बौद्धिक प्रक्रिया मानसिक प्रक्रिया और पांच इंद्रियों की जरूरत होती है ये सभी वो चीजें हैं जिन्हें ये धीरे धीरे बाहर निकालता है जब आपकी मां के गर्भ में वो दो कोशिकाएं मिली तब आपके पास इनमें से कोई भी चीज नहीं थी आपके पास उन चीजों में से कुछ भी नहीं था आप देख नहीं सकते थे सुन नहीं सकते थे स्वाद नहीं चख सकते थे सूंघ नहीं सकते थे आप कुछ भी नहीं कर सकते थे धीरे धीरे इसने खुद को बाहर निकाला ये कुछ, ये एक सुंदर चीज है मुझे नहीं पता कि उन्होंने इसे क्यों तोड़ा अब भी सुंदर है तो पेड़ वहां खड़ा है पत्ते शाखाएं और फूल ऐसी चीजें हैं जो ये बाहर निकालता है इसी तरह आप कई चीजें बाहर निकालते हैं आपका भौतिक शरीर आपकी मानसिक क्षमता आपकी पांच इंद्रियां, ये सभी एक्सेसरीज हैं एक्सटेंशंस हैं, जिन्हें हम बाहर निकालते हैं ताकि हम एक सक्षम जीवन के रूप में जी सकें आप इसे कितने अच्छे से बाहर निकालते हैं यह पूरा संगठन कितनी अच्छी तरह से व्यवस्थित है ये एक संगठन है हम इसे एक जीव कह सकते हैं लेकिन एक जीव भी अपने आप में एक संगठन है तो इसने इन सभी चीजों को व्यवस्थित किया है विकास की प्रक्रिया अगर आप इस पर गौर करें तो समय के साथ साथ हमने अपनी क्षमताओं को और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा व्यवस्थित किया है आप अमीबा की तुलना में थोड़े अधिक सक्षम है, है कि नहीं नहीं नहीं, उसे कम मत समझिए देखिए वायरस क्या कर रहा है सिर्फ एक ग्राम तो यह संगठन बढ़ता गया उसकी वजह से कुछ क्षमताएं मिली कुछ असर हुआ लेकिन यह सब जीवन के द्वारा किया गया है अगर आपको समझ नहीं आ रहा है या अगर बहुत अधिक गलत फहमी है या अगर जीवन शब्द बहुत ज्यादा फैला हुआ है तो चलिए इसे जीवन का स्रोत कहते हैं वो जो जीवन का स्रोत है जो खुद जीवन है इसे जीवन कहना आसान सरल और अधिक उपयुक्त है क्योंकि ये जीवन ही है ये सभी एक्सटेंशन और एक्सेसरीज हैं ये काफी नहीं था पैर काफी नहीं थे तो हमने एक कार ले ली एक कार काफी नहीं थी तो हमने एक हवाई जहाज ले लिया इस तरह से हमने एक्सेसरीज लगा ली अब लोग मुझसे बहुत नाराज हैं क्योंकि मैंने कहा कि अगर आप एक कार खरीदते हैं तो आपको इसका आठ साल तक इस्तेमाल करना होगा ठीक है आप इसे कम करके छह साल या पांच साल कर सकते हैं लेकिन कोई समय तय कीजिए पृथ्वी पर कितने इंसान होने चाहिए पृथ्वी पर कितनी कारें होनी चाहिए पृथ्वी पर कितने कंप्यूटर होने चाहिए पृथ्वी पर हर चीज कितनी होनी चाहिए हमें अपना मन बनाना होगा इसी तरह आप भी कितना विस्तार करना चाहते हैं आपको यह तय करना चाहिए है ना कि आप सभी ने तय कर लिया है कि आप अपना वजन ज्यादा से ज्यादा कितना होने देंगे हेलो हाँ आपको तय करना चाहिए मेरा वजन उतना ही रहा है जब से जब मैं उन्नीस साल का था तब से अभी तक मेरा वजन वही है यह कमबख्त गुरुत्वाकर्षण जो मेरे कंधों पर हुआ करता था वो धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के कारण थोड़ा सा नहीं ये गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव है मैंने पृथ्वी के सामने थोड़ा सा समर्पण कर दिया है तो लेकिन वही वजन बरकरार रखा है आप सभी को भी यह तय करना चाहिए कि आप कितना विस्तार करने वाले हैं शारीरिक रूप से भौतिक रूप से चीजों के स्तर पर कितना विस्तार हर किसी को तय करना चाहिए वरना चीजों की व्यवस्था अपने आप में जीवन को सीमित करने का कारण बन जाती है आपकी व्यवस्था ही जीवन को भयंकर रूप से सीमित कर देती है तो आप अपनी व्यवस्था को मैं समझने की गलती कर रहे हैं ये सवाल इसी वजह से आ रहा है हाँ व्यवस्थाएं आप उन्हें चाहे जितने भी अच्छे से मैनेज करें कुछ समय के बाद वो क्योंकि यह चीजों की व्यवस्था है जब तक उसे पूरी तरह से नया नहीं किया जाता उसमें कमजोर पड़ने की प्रवृत्ति होती है जो भी चीज हार्डवेयर है वो कमजोर पड़ जाएगी जो भी चीज सॉफ्टवेयर है उसे आप अपडेट कर सकते हैं कर्म की पूरी प्रक्रिया इसी बारे में है कि अगर आप चाहें तो आध्यात्मिक प्रक्रिया का उद्देश्य बस अपने कर्म को अपडेट करना है ताकि आप गोदाम में मौजूद नए नए कर्मों को हाथ में ले सकें सामान्य लोग देखिए मैं उन्हें सामान्य कह रहा हूं क्योंकि बहुमत उन्हीं का है और मैं खतरा नहीं उठाना चाहता मैं कह रहा हूं मूर्ख लोग सामान्य लोग से मेरा यही मतलब है दुनिया के मूर्ख हमेशा ये कोशिश करेंगे कि उनके पास सीमित कर्म हो वो व्यक्ति जो आध्यात्मिक मार्ग पर है जो धधक रहा है वो पूरे गोदाम को डाउनलोड करना चाहता है लेकिन उसे पता है कि अगर वो पूरे गोदाम को डाउनलोड करता है तो शायद हार्डवेयर ही टूट जाए ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा तो वो इसे अपडेट करता रहता है ज्यादा से ज्यादा चुनौतियां लेता रहता है क्योंकि हम चाहते हैं कि सारी चुनौतियां जल्द से जल्द निपट जाएं। लगातार ज्यादा से ज्यादा कर्म डाउनलोड करते रहना तो ऐसा लगता है कि वो लोग जो आध्यात्मिक मार्ग पर हैं जीवन की परिस्थितियों के स्तर पर ऐसा लगता है कि वो दूसरों के मुकाबले ज्यादा यातना झेलते हैं लेकिन कोई बात नहीं अगर आपको कोई दुख नहीं हो रहा है तो वजन कोई समस्या नहीं है वजन समस्या नहीं है हर कोई जिम जाकर ये 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 करता है वो वजन उठा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उससे उनका शरीर बेहतर हो जाएगा तो वजन सिर्फ आपको मजबूत बनाएगा जब तक आप वजन से दुखी ना हो अगर आप वजन से दुखी हैं फिर यह एक समस्या है समस्या वजन के साथ नहीं है समस्या यह है कि आप एक दुखी प्राणी हैं। अगर आप दुखी नहीं हैं, तो वजन के साथ क्या समस्या है आप बहुत मजबूत बन जाएंगे योग की परंपरा में एक सुंदर कहानी है कि एक बार ऐसा हुआ एक युवक अपने पशुओं के झुंड को घास चरवाने के लिए जंगल में गया जो कि यहाँ जीवन का एक सामान्य हिस्सा हुआ करता था क्योंकि ये एक चरवाहों की संस्कृति है मोटे तौर पर इस देश में जमीन को संपत्ति नहीं माना जाता था हमेशा पशुओं मवेशियों को संपत्ति माना जाता था आपके पास कितने पशु हैं वही आपकी दौलत है तो वो अपने पशुओं के झुंड को लेकर जंगल गया वहां उसने पहली बार एक गाय को एक बछड़े को जन्म देते हुए देखा यह एक बहुत नाजुक पल होता है अगर आप देखें कि यह कैसे होता है फिर आप यह एक सबसे बड़ा अजूबा है कि कैसे एक नया जीवन बस यूं ही बाहर निकलकर गिर पड़ता है और वो छोटी सी चीज उन कमजोर पैरों पर यूं खड़ी है वो बिल्कुल भाव विभोर हो गया उसने बछड़े को उठाकर अपने कंधे पर रखा और वापस चलकर घर आया वो इस छोटे से बछड़े के साथ इतनी गहराई से जुड़ गया हर दिन वो उसे उठाकर जंगल ले जाता है उसे घास चरवाता है और फिर उसे अपने कंधों पर उठाकर वापस लाता है आठ साल बीत गए वो अभी भी उसे उठाकर चल रहा था अब तक उसकी ख्याति पूरे इलाके में फैल गई थी वो एक सुपरमैन है वो एक भारी भरकम बैल को अपने कंधों पर उठाता है और चलता है क्योंकि बछड़े का वजन धीरे धीरे बढ़ता है आपकी तरह नहीं 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 आप सभी बहुत अच्छे हैं उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ अपने प्यार के कारण वह हर दिन बछड़े को अपने कंधों पर उठाता रहा हर दिन उसका वजन कुछ ग्राम बढ़ता रहा आठ सालों के बाद वो एक भारी भरकम बैल बन गया है लेकिन वह उसे उठाकर चलता है तो उसकी ख्याति पूरे इलाके में फैल गई कि वो एक सुपरमैन है जो एक बैल को उठाकर चलता है तो वजन आपके साथ यही करता है कि यह आपको इतना मजबूत बना देता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते लेकिन अगर आप बोझ से दुख पाते हैं मुझे ये कमबख्त बोझ क्यों उठाना पड़ रहा है फिर यह एक बड़ी समस्या है तो वह व्यक्ति जो आध्यात्मिक मार्ग पर है वह हमेशा यह देखता रहता है कि कैसे नए सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके उसके साथ निपटा जाए उसे कल के लिए टालना नहीं उसे किसी और समय के लिए टालना नहीं हम उसके साथ अभी निपटना चाहते हैं इसमें जो कुछ भी मौजूद है सब कुछ चाहे वो जो भी हो अच्छा बुरा बदसूरत मैं उससे अभी निपटना चाहता हूं कल नहीं क्या आप तैयार हैं हर चीज अच्छी चीज बुरी चीजें बदसूरत चीजें बकवास वो चाहे जो भी हो हम उससे अभी निपटना चाहते हैं हम चाहते हैं कि कल ऐसा हो हमें आज काम कर करके अपनी जिंदगी बिताने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम हर चीज से निपटना चाहते हैं ताकि अगर हम कल बैठें तो हमें यूं बैठना चाहिए जैसे हम सृष्टि की शुरुआत हों। सृष्टि की शुरुआत में सब कुछ स्थिर था आपको उस तरह से बैठने में सक्षम होना चाहिए क्योंकि सृष्टि की शुरुआत का निवेश आप में भी किया गया है जब मैं कहता हूं जीवन तो मैं उसकी बात कर रहा हूं जिस चीज ने हर चीज की शुरुआत की वो आपके अंदर भी बैठी हुई है वो कम कैसे होगा आपके सौ साल जीने से अगर वायरस ने चाहा तो आपके सौ साल एक मूर्खता भरी बकवास हैं जिसकी वजह से जो जीवन की शुरुआत करता है और आपके भीतर धड़क रहा है आप उसे भूल गए हैं आपको लगता है कि आपकी छोटी उंगली ब्रह्मांड का केंद्र है हां नहीं मैं कह रहा हूं आप आप छोटी उंगली भी नहीं हैं। आप इस सृष्टि में एक छोटी उंगली भी नहीं है मैं चाहता हूं कि आप ये जान लें लेकिन जब आप सोचते हैं कि मेरी छोटी उंगली ब्रह्मांड का केंद्र है तो आप सामान्य और मूर्ख हैं हाँ, क्योंकि दुर्भाग्य से मोटे तौर पर लोगों ने मूर्ख होने को सामान्य बना दिया है हम एक नए सामान्य की स्थापना करने की कोशिश कर रहे हैं कि जबरदस्त रूप से क्षमतावान होना जीवन की प्रक्रिया से अछूता रहना लेकिन हर संभव तरीके से जीवन के साथ पूरी तरह से शरीक रहना लेकिन उससे अछूता रहना यह सामान्य है क्योंकि ये मेरे अंदर जीवन का स्रोत है ये होने वाली हर चीज से अछूता है हम वैसे होना चाहते हैं जैसी सृष्टि है और सृष्टि का स्रोत है हर कोई ये कहने की कोशिश कर रहा है कि उनके मानसिक विस्तार जो कुछ भी उन्होंने किए हैं वो कह रहे हैं कि उनके मन का पागलपन ही जीने का सही तरीका है या जीवन ऐसा ही है मैं लोगों के अलग अलग समूहों से बात करता रहा हूं आप चाहे जो भी कहें अंत में वो पूछते हैं लेकिन सदगुरु हम कोरोना के बाद इस बेचैनी को कैसे संभालें तो आप भी मुझसे वही सवाल पूछ रहे हैं सबसे पहले तो आपने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने मौत का आविष्कार किया है मैंने सिर्फ किताब लिखी है आपको उसे पढ़ना चाहिए क्योंकि वो कुछ ऐसे पहलुओं पर प्रकाश डालती है जो हर किसी के जीवन में आने ही हैं अगर आप अज्ञानता के साथ उसके करीब जाते हैं तो आप उसे एक तरह से संभालेंगे अगर आपको कुछ चीजों की पहले से ही जानकारी है तो आप उसे थोड़ी ज्यादा जागरूकता के साथ और अच्छे से संभाल सकते हैं अगर आप अच्छे से जीते नहीं हैं तो मैं चाहता हूं कि कम से कम आप स्टाइल से मरें मैं बस इतना ही कह रहा हूं अगर आप वाकई अच्छे से जीते हैं तो यह शानदार है अभी अच्छे से जीने की हमारी धारणा को बड़े पैमाने पर बदलने की जरूरत है क्योंकि जब हम कहते हैं कि कोई अच्छे से जी रहा है तो उसका मतलब होता है कि उन्होंने पांच किलो का सोना पहन रखा है और उनके सिर में एक हीरा जड़ा हुआ है ताकि उनके माथे पर ताकि उनकी तीसरी आंख न खुल सके क्योंकि वो खराब हो चुकी है <laughs> वो जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं वो जरूरत से ज्यादा कपड़े पहन रहे हैं वो हर चीज का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छे से जीना नहीं है अच्छे से जीना यानी अगर आप यहाँ बैठते हैं अगर आप पर्याप्त ध्यान देते हैं तो आप ही सृष्टि का स्रोत हैं ये अच्छे से जीना हुआ ये मेरी इच्छा और आशीर्वाद है कि आप इसे जान पाएं yuga महा